मुझे जनक से कुछ बात करनी है। अब तुम्हें इससे क्या बात करनी है? एंड आई एम श्योर इसकी सच्चाई तुम भी जानते थे, है ना? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं जानता था। ना झनक ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में मेरी देखभाल कर रही है। मुझे तो लगा कि ये हॉस्पिटल की सिर्फ एक अटेंडेंट है। पूरे टाइम इसने मास्क लगा के रखा था और मुझ पर तो दवाइयों का असर था। आप लोग ठीक थे? जब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों को कैसे लगा कि मैं पहचान जाता इसे? बोलो झनक, तुमने बताया मुझे कुछ? हॉस्पिटल में मेरे कमरे में क्यों आई तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। आप अच्छे से जानते हैं मैं श्रीनगर की बस में बैठ गई थी, हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी यहां से। सब कुछ तो जानते हैं तो क्यों सबके सामने? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूं, मैं आपको शर्मिंदा। मेरी चिंता करना छोड़ दो झनक, सिर्फ अपनी बात करो। मैं तुम्हें लेने आया था, तुम मेरे घर में रह रही थी। पुलिस वाले अगर तुम्हें ढूंढने निकलते ना तो सबसे पहले मेरे पास आते, मुझे पकड़ते और मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देते। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नौटंकी पर था। वापस तो आई नहीं तुम, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया। वापस नहीं आना चाहती थी इसलिए मना किया था। तभी उस बस में चढ़ के जा रही थी मैं, हमेशा हमेशा के लिए आप सबसे बहुत ज्यादा दूर। लेकिन फिर न्यूज में देखा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो बताइए कि जिस इंसान ने कदम कदम पे यहाँ आकर मेरा साथ दिया है, इतनी बार मेरी जान बचाई है, उसके लिए कैसे नहीं आती? बस उसी वक्त उस बस से उतर गई और दौड़ी चली आई हॉस्पिटल। और उसका क्या, जिसके साथ गए थे तुम? उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो मेरी अपनी लड़ाई है, उसे मेरा ही रहने दीजिए। और अब आप ठीक हो गए ना, तो मैंने फैसला ले लिया था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी वापस। कल ही इस घर को छोड़ के जाने वाली थी मैं, लेकिन उससे पहले देखिए ना ये सब हो गया। मेरा यकीन मानिए, यूं शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, ऐसा इरादा नहीं था मेरा। वहाँ हॉस्पिटल में बोला गया कि आपके घर से ना एक ही मेंबर वहाँ रुक सकता है, तो छोटोन रुके और फिर छोटोन और मैंने मिलके नर्स को रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी अटेंडेंट बनके आपके साथ रहने दे, आपका ख्याल रखने दे। जब इतनी सब बातें हो ही गई हैं, तो एक बात और जान लीजिए आप सब लोग। आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि हनी अगर आज जिंदा है तो अर्शी की वजह से, तो ये गलत है। जिस मंदिर में अर्शी गई थी वही उसी मंदिर में झलक ने भी पूजा की थी। अर्शी तो अपने पूजा के फूल अंदर तक नहीं ले जा पाई थी। जब झलक ने पूजा के फूल हनी के माथे से लगाए तब जाके अनी को होश आया था। Stop
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।